मैं जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें स्कोप आता है। स्कोप क्या है, फंक्शन में किस जगह पे क्या चीज होती है, क्या स्कोप रूल्स है, इसके बारे में देखते हैं। इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए एक मेन है, इसमें i इक्वल टू 20 दिया, हमने कहा डिस्प्ले करिए i को। इस i को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इस फंक्शन में हमने इसे भेजा। यहां पर i j तैयार बैठा है i को लेने के लिए, यानी i 20 है तो j को 20 मिलेगा, है ना। अब आपने यहां पर k जो है वो 35 कर दिया। आप चाहते हैं कि जो j को प्रिंट करें, तो क्योंकि j यहां पर 20 आ गया तो j 20 प्रिंट हो जाएगा और k जो है वो 35 प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें जो चीज दिख रही थी वो तो हमने कर दिया। डिस्प्ले क्या प्रिंट करेगा, डिस्प्ले क्या प्रिंट करने वाला है, आई हमने क्या दिया, के हमने क्या दिया, किसका क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब ये होता है कि स्कोप किस किस तरीके होते हैं, पहले तो समझिए कि लोकल है। अब स्कोप लोकल है या ग्लोबल है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आई है 20, ये इस मेन फंक्शन के लिए लोकल है। जो ये K 35 है वो इस फंक्शन के लिए लोकल है, यानी I इक्वल टू 20 यहां पर कहीं भी नोन नहीं है इस फंक्शन में, और K इक्वल टू 35 ये कहीं भी नोन नहीं है यहां पर। इनका स्कोप ये स्कोप रूल्स होते हैं।